नमस्कार प्यारे बच्चों, और कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ गॉस थ्योरम। और कोई ऐसा एग्ज़ाम हो गया नहीं बोर्ड का जिसमें गॉस थ्योरम से कोई क्वेश्चन ना आया हो। फर्स्ट टर्म वी आर यूजिंग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वी आर यूजिंग ए टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंबल इज फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू ए सरफेस। किसी सरफेस से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू ए सरफेस। सेकेंड डेफिनेशन इज, सपोज दिस इज एरिया। हमने पढ़ा है एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर, देन एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एरिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो ये ध्यान रखना कि एरिया हम लोग स्केलर पढ़ते हैं, बट अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर, देन एरिया वेक्टर हैविंग डायरेक्शन नॉर्मल टू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज दिस इज एनी क्लोज सरफेस, कंसिडर स्मॉल एरिया डी एस हेयर। दिस अ स्मॉल एरिया डी एस, जहाँ पे डी वर्ड यूज आते हैं उसका मतलब वेरी स्मॉल थिंग। दिस अ स्मॉल एरिया डी एस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर डी एस वैक्टर। स्मॉल एरिया डी एस एंड दिस इज कॉल्ड एरिया वैक्टर। एंड सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर द लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज। एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। ध्यान रखना, ये जो थीटा एंगल है, दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, नॉट एरिया। वी विल डिवाइड ई इंटू टू कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट होगा ई कोस थीटा और ये वाला हो जाएगा ई साइन थीटा, बट वी हैव टू यूज ई कोस थीटा। देन डी फाई, डी फाई मीन्स स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी एस। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया मीन्स ई कोस थीटा। ये जो ई कोस थीटा है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया। तो दिस डी फाई विल बिकम ई इंटू डी एस इंटू कोस थीटा एंड डी फाई विल बिकम ई डॉट डी एस। ई डी एस कोस थीटा होता है ए ई डॉट डी एस। इलेवंथ में आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वैक्टर्स ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर। एंड टोटल फ्लक्स निकालना हो, क्योंकि ये तो स्मॉल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग निकालते हैं, करते हैं इंटीग्रेशन। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड अगेन इंटीग्रल डी एस वी कैन राइट एरिया, देन फ्लक्स विल बिकम इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए और इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो नाउ वी हैव टू फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फर्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू ए सरफेस. सेकेंड डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर, और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया. नाउ द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और यू कैन से ई डॉट ए. इंटीग्रल ई डॉट डी एस एंड अगेन ई डॉट ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सपोज दिस इज एरिया, एरिया ए, दिस इज एरिया वेक्टर, एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया, देन थीटा विल बी 90. अब आप देखो, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड दिस इज अ बोर्ड. तो बोर्ड वेक्टर क्या है? दिस इज अ बोर्ड वेक्टर. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस बोर्ड के पैरेलल है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोर्ड से पास ही होगी. अब ये पेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट विल नॉट क्रॉस द बोर्ड. बोर्ड को ऐसे क्रॉस करेगा ना, तो ऐसे तो कर नहीं सकता. तो मीन्स जब इस बोर्ड से पेन क्रॉस ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया, देन फाइ विल बी 90 एंड फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस 90, दैट विल बी जीरो. तो यहाँ क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया. अब पैरेलल टू एरिया का मतलब थीटा जीरो नहीं है, थीटा विल बी 90 डिग्री, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर. तो बार बार मेरा बोलने के पीछे ये रीजन है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन एरिया एंड एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया, ये कंसेप्ट ध्यान रखना. सेकंड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया लाइक दिस, अगर ये पेन जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड से पास होगा तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. सपोज दिस इज द एरिया, दिस इज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन, देन थीटा विल बी जीरो, देन फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस जीरो, दैट इज ई इंटू ए, एंड दिस इज मैक्सिमम. फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. क्लियर, समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इफ यू वांट टू राइट द यूनिट ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, देन यूनिट ऑफ फ्लक्स विल बिकम न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गॉस थ्योरम स्टेटमेंट देखो, phi इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम. अब आप देखो इसको लिखोगे कैसे, इफ यू वांट टू राइट द स्टेटमेंट. ये हमने लिखा है, इसे बोलते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस. हाउ कैन यू रीड इंटीग्रल ई डॉट डी एस? ये इसको बोलते हैं हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या बोलेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर मैं सर्कल लगा दूं तो मतलब सरफेस इज क्लोज्ड. तो वी कैन रीड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड सरफेस. सिमिलरली अगर ये लिखा जाए ई डॉट डी एल, तो दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज्ड पाथ. इंटीग्रल ई डॉट डी एल है तो ओवर क्लोज्ड पाथ, इंटीग्रल ई डॉट डी एस है तो दैट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल. अगर कहीं लिखा जाए ई डॉट डी वी, एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज सरफेस.
तो हेयर वी आर यूजिंग इंटीग्रल ई डॉट डी एस. तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, व्हाट इज फाई, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस. व्हाट इज फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रीड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग सर्टेन वॉल्यूम. ये एक्स्ट्रा याद कर लो, एनक्लोजिंग सर्टेन वॉल्यूम इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. ये जो क्यू है, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस. जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज की वैल्यू है क्यू. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. अगेन आई एम टेलिंग यू, फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग सर्टेन वॉल्यूम इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. इन प्रूफ, सपोज कंसिडर ए, सपोज दिस इज ए क्लोज सरफेस, वी विल टेक क्लोज सरफेस इन स्फेरिकल शेप. सपोज दिस इज अ क्लोज सरफेस एंड क्यू इज द चार्ज प्लेस एट द सेंटर. यहां पे चार्ज रखा है क्यू इन साइड द क्लोज सरफेस. आर जो है इट इज द रेडियस ऑफ दिस सरफेस. कंसिडर पॉइंट पी एट द सरफेस ऑफ क्लोज सरफेस. सिंपल सा मतलब है, कोई क्लोज कोई स्फीयर कंसिडर किया, इस सेंटर में मैंने चार्ज ले लिया क्यू, सरफेस पे कंसिडर किया पॉइंट पी, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू इज क्यू अपॉन 4π0r². और डायरेक्शन, ये चार्ज पॉजिटिव है, पेन रखा पी पॉइंट पे, एंड डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड. डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्सटेंडेड ओपी, अलोंग एक्सटेंडेड ओपी, और यू सिंपली से आउटवर्ड. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. एक्चुअली मुझे इसके प्रूफ में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं राइट साइड पे पहुंच जाऊंगा. तो लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करके हम लोग पहुंच जाएंगे राइट साइड पे. तो मुझे निकालना है फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds. तो नाउ कंसिडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P. सपोज दिस इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P. दिस अ स्मॉल एरिया ds, एंड ds वेक्टर की जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड ds वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों में एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 degree. एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर विल बी 0. नाउ टेक लेफ्ट साइड, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, एंड यू में राइट ई डी एस कोस 0, एंड दिस इज इक्वल टू ई इंटीग्रल डी एस, बिकॉज वी नो कोस 0 इज इक्वल टू 1. E integral ds, where integral ds means total area. Integral ds क्या होगा, area of closed surface. ds है ये small area, और integral ds मतलब total area. And total area means integral ds. And the value of integral ds is the area of sphere, and area of sphere will be 4π r². Then this is equal to E into 4π r². Put the value of E. Q upon 4π0r² into 4π r², and answer will be Q/ε0. So means we have started from left hand side
and this will becomes equal to q by epsilon naught. This is the proof of Gauss theorem. तो सिंपल सा मीनिंग क्या है, ये स्टेटमेंट याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड टेक लेफ्ट हैंड साइड और ई डी एस और थीटा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. अभी इसकी एप्लीकेशंस आएंगी इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. पहले मैं इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स करा दूँ, थोड़ा और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा, फिर हम एप्लीकेशंस पे आएंगे. एनी डाउट? क्लियर? अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो फिर मुझसे आप फोन करके बात कर सकते हो. नाउ वी विल डू द, अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ गॉस थ्योरम. तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू ई डॉट ए इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं. फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी है, फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए भी है, और फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रल ई डॉट डी एस भी है. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा कब यूज करना है. इवन न्यूमेरिकल खाली सिंपली चार्ज दे रखा है तो यूज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे रखा है, यूज दिस फार्मूला. और जहाँ पे वेरिएबल थिंग्स हैं वहाँ लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड. तो अभी मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा विच फार्मूला वी विल यूज एट विच टाइम. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. The formula for flux is q by epsilon naught. Question 1 is, suppose this is a sphere. This is a sphere and whatever be the radius. Radius 2 cm, 3 cm, 10 cm, whatever it may be. Charge rakha hai 3 coulomb. Charge is placed inside the sphere. Wo center pe ho, side mein ho, doesn't matter. Charge should be inside the sphere. तो कहते हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सफियर. इस सफियर से फ्लक्स निकालना है. तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या क्यू का मतलब है चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस. इसके अंदर चार्ज दिखाई दे रहा है मुझे 3 कूलम, तो आंसर बन जाएगा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट. बस तो फ्लक्स विल बिकम 3 बाई एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट पॉइंट इज सपोज वी हैव 2 स्फीयर्स. वी हैव 2 स्फीयर्स, दिस इज S1 एंड दिस इज S2. यहां चार्ज है 2 कूलम और यहां चार्ज है 4 कूलम. Find the ratio of electric flux passing through S1 and S2. We have to find the ratio of electric flux passing through S1 and S2. Phi1 is the electric flux passing through S1. इसमें S1. अब इस S1 के अंदर चार्ज क्या दिखाई दे रहा है? 2 कूलम. तो Phi1 will become 2 by epsilon naught. बिकॉज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. फाई वन क्या गया? 2 बाई एप्सिलॉन नॉट. फाई टू इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S2. अब S2 के अंदर चार्ज कितना है? आप लोग कहोगे 4 कूलम. बिल्कुल ठीक है 4 कूलम, बट 2 कूलम भी तो S2 के अंदर है. ये 2 कूलम तो S1 के अंदर भी है, S2 के अंदर भी है. तो टोटल चार्ज S2 के अंदर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 6 कूलम. तो 2 प्लस 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 6 बाय एप्सिलॉन नॉट. देन Phi1 बाय Phi2 विल बिकम 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 बाय 3. अगर कोई चार्ज यहां पर रखा है Q3, दैट इज -2 कूलम,
अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है बट है आउटसाइड द स्फीयर्स, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्लक्स पे। तो फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट करेगा जो अंदर होंगे चार्ज, बाहर वालों को कंसीडर नहीं करना, इसलिए आंसर विल रिमेन सेम, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू थ्री। क्लियर? नेक्स्ट इज सपोज दिस इज द स्फीयर एंड चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब इज प्लेस एट ओ, चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब इज प्लेस एट ओ, देन व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, देन फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन आया है बोर्ड में, इफ यू डबल द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अगर मैं इसके स्फीयर के रेडियस को डबल कर दूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लक्स, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो इस बड़े स्फीयर के अंदर चार्ज फिर भी 3 कूलम्ब है, देन फ्लक्स विल बी अगेन 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, रिमेन सेम। अगर मैं डबल कर दूं स्फीयर को, देन चार्ज इनसाइड द बिग स्फीयर इज अगेन 3 कूलम्ब एंड हेंस फ्लक्स विल बी सेम। नेक्स्ट पॉइंट, इफ रेडियस इज हाफ देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्लक्स, इन दिस सिचुएशन अगर मैं रेडियस को हाफ करता हूं, ये एस टू ये एस वन, अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं तो एस टू के अंदर चार्ज मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 कूलम्ब, बिकॉज चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर, तो अगेन फ्लक्स विल रिमेन सेम, देन फ्लक्स विल बिकम 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, इफ दिस इज द सिचुएशन। नाउ सिचुएशन इज चेंज, अगर सपोज करो सेम क्वेश्चन है एंड 3 कूलम्ब चार्ज इज प्लेस हेयर, इफ 3 कूलम्ब चार्ज इज प्लेस हेयर, देन क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू एस वन, आंसर इज अगेन 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर 3 कूलम्ब यहाँ रखा है तो। अब क्वेश्चन है अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूँ, जैसे मैंने रेडियस को हाफ किया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्लक्स, रेडियस को हाफ करते ही ये एस टू हो गया, अब जो 3 कूलम्ब है वो एस टू के बाहर है ना कि एस टू के अंदर, जब एस टू के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स विल बिकम 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी 0। तो ध्यान रखना अगर मैं डबल करता हूँ तो नेचुरल है चार्ज अंदर ही रहेगा, हाफ करता हूँ तो यू विल चेक द पोजिशन ऑफ द चार्ज, अगर वो अंदर आ जाए सफियर के तो क्यू बाई एफ्सल नोट, अगर नहीं आता अंदर तो आंसर विल बी 0। तो काफ़ी बुक्स में इसमें कंट्राडिक्शन मिलेगी, क्वेश्चन मिसप्रिंट हैं, गलत मिल सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना इफ़ यू हैव द रेडियस तो डिपेंड करेगा लोकेशन क्या है चार्ज की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दिस इज द क्यूब दिस इज द क्यूब, इफ द चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब एंड पासिंग थ्रू वन फेस। फाई क्या है, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, और फाई वन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस। सपोज ये रूम है, जिस रूम में आप लोग हो, मैं हूं इस टाइम, रूम है, एक टाइप का क्यूब ही ले लो, क्यूबॉइड है या क्यूब है। अब चार्ज जो है वो अंदर है, इस रूम के अंदर है, दिस चार्ज इज एनक्लोज्ड बाई होल क्यूब, ये एक क्यूब क्या कर रही है, इस पूरे चार्ज को एनक्लोज कर रही है, हेंस फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
flux passing through the cube will be q by epsilon naught. And flux passing through each face, अगर मुझे निकालना हो flux passing through this room, ये जिस वॉल पे रूम के अंदर तो फ्लक्स आ गया q by epsilon naught. अगर मुझे इस बोर्ड वाले वॉल पे फ्लक्स निकालना हो कि इस वॉल से कितना फ्लक्स पास होगा या फ्लोर से कितना फ्लक्स पास होगा, ये फ्लोर हो गया, ये बोर्ड के वाले रूम हो, जिस वॉल पे बोर्ड लगा रखा है वो फेस हो गया, तो इस फेस से या इस फेस से फ्लक्स निकालना है. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू देयर आर सिक्स फेसेस, यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, एक मेरे लेफ्ट साइड में, एक मेरे राइट साइड में. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ई सरफेस. तो चार्ज का रखा है, चार्ज हम रखा है सेंटर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड हेयर, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरे पास क्यूब्स हैं, ये क्यूब्स हैं और चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने डॉट बना दी चार्ज के लिए. अब आपको ये दिखाई दे रही है डॉट, तो ये जो डॉट है वो दिखने नहीं चाहिए. तो ये अगर मैं एक क्यूब और रख दूँ यहाँ पे, चेक कर लो, एक मैंने यहाँ रख दी, अब आपको वो ब्लू डॉट दिखाई नहीं दे रही. जैसे मैंने यहाँ रखा तो ये जो चार्ज है इट इज एनक्लोज बाई टू क्यूब्स, ये देखो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, अब मैंने यहाँ रख दिया इस टाइप से, तो ये दिखना बंद हो गया आपको, तो किसी भी साइड से आपको दिखाई नहीं देगा. तो मतलब ये है कि ये जो क्यू चार्ज है इट इज एनक्लोज बाई टू क्यूब्स, तो दो क्यूब इसको शेयर करेंगे, तो क्यू इज एनक्लोज बाई टू क्यूब्स, हैंस फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब. तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों क्यूब से होगा, तो एक क्यूब से क्या होगा, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज टू क्यूब्स विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब से क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और फाई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. नाउ सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चार्ज जो है वो यहाँ पे है एज पे, मतलब ये एज मैंने यहाँ निशान लगा दिया, ये देख लो ये सारा ब्लू कर दिया मैंने यहाँ पे, ये एज दिखाई दे रहा है आपको. अगर मैं ऐसे रख दूँ तब भी आपको ये ब्लू दिखाई देगा, देख रहे हो ये ब्लू दिखाई दे रही है, अगर मैं ऐसे रख दूँ तब भी दिखाई देगा, अगर मैं एक क्यूब और लगा दूं तब ये दिखना बंद हो जाएगा. मतलब ये है कि अगर कोई रूम है, ये जो लाइन है इट इज शेयर्ड बाई फोर रूम्स, चार रूम इसको शेयर करेंगे, ये जो एज है ये इट इज शेयर्ड बाई फोर रूम्स. तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया है 1, 2, 3, ये देखो ये जो ब्लू कलर है आपने तीन कर दिए, अब भी दिखाई दे रहा आपको यहाँ ये ब्लू कलर, अगर मैं फोर्थ लगाऊंगा तो ये एनक्लोज हो जाएगा. तो मतलब दिस क्यू चार्ज इज एनक्लोज बाई फोर क्यूब्स. तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू फोर क्यूब्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो एक से क्या हो जाएगा, 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस से कितना होगा, 1/6 क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. सेम क्वेश्चन, अगर चार्ज आ जाए ऊपर वाले एज पे, यहां पे आ जाए, ये हमारे रूम की छत का कॉर्नर है, तो अगर ये कॉर्नर है तो दिस इज एनक्लोज बाई 8 क्यूब, 8 क्यूब जो है इसको एनक्लोज करेंगे. दो देख लो, चेक कर लो, मेरे पास 3 ही है यहां पे. अगर मैं इस कोने पे निशान लगाता हूँ, ये देख लो, अगर मैंने कोने पे ब्लू कर दिया यहाँ पे, ये देख लो चेक कर लो, ये ब्लू यहाँ कर दिया, अब भी दिखाई दे रहा है, अब भी ब्लू दिखाई देगा, एक लगाऊंगा तब भी ब्लू दिखाई देगा. अगर मैं चार और इसके आगे बॉक्सेस लगा दूँ फिर ये दिखना बंद हो जाएगा ब्लू कलर. तो सेम ये जो क्यू चार्ज है कोने में रखा है, कॉर्नर पे है, इट इज एनक्लोज बाई 8 क्यूब्स, 8 क्यूब्स से इसको एनक्लोज होगा.
तो क्यू इज एनक्लोज्ड बाई 8 क्यूब्स, हेंस टोटल फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 8 क्यूब से कितना हो जाएगा 1 बाई 8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्रॉम वन फेस 1 बाई 6 क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना हुआ, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुके हैं, तो सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना आपने, क्लियर। नाउ वी विल यूज द न्यूमेरिकल यूजिंग द फॉर्मूला ई डॉट ए। नाउ द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज ई डॉट ए, तो ई डॉट ए कैन बी रिटन एज ई ए कोस थीटा, यू कैन राइट ई ए कोस थीटा, एंड सेकेंड यू कैन यूज ई एक्स ए एक्स, ई वाई ए वाई, ई जेड ए जेड, ये दोनों डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। इसमें है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टिजियन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यहाँ ई डॉट ए है तो ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। तो हम लोग फ्लक्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप न्यूटन पर कूलम, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू दर के इलेक्ट्रिक फील्ड की, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 5 meter per square पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन ए प्लेन इज 5i कैप प्लस 7j कैप न्यूटन पर कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड पासिंग थ्रू एरिया 5 meter per square एंड दिस एरिया इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। यहाँ एरिया है वाई जेड प्लेन में और एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू एरिया, तो मतलब वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा 5 meter square अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब 5i कैप, यूनिट लिखना चाहो मीटर स्केयर, तो 5i कैप इज द एरिया वेक्टर। अब इस फॉर्मूले में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रखें आई जे की फॉर्म में, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, देन फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड दिस इज कॉल्ड ई एक्स ए एक्स, दिस इज कॉल्ड ई वाई ए वाई, ई एक्स इज 5, ए एक्स इज 5, 7 into 0 क्योंकि जे कैप है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया 25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो इस टाइप से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन जो है और भी आ सकते हैं फ्लक्स रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इफ डाइपोल इज प्लेस इन साइड दैट। मेरे पास कोई डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट है 2 × 10^5 कूलम मीटर और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 cm, देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अंदर क्या है, डाइपोल है। फिर सुनो, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10^5 कूलम मीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विल बी 10 cm इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो क्या निकालना है मुझे, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आम में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पी देख के खुश हो जाएंगे, क्यू इंटू टू ए,
क्यू पी अपॉन टू ए, फाइंड करेंगे क्यू की वैल्यू, फिर पुट करेंगे, नो नीड, कुछ नहीं करना है ऐसा। डाइपोल मीन्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस फॉर्म ए डाइपोल। डाइपोल में क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस फॉर्म ए डाइपोल। देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन डाइपोल, नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो। देन फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी जीरो। तो डाइपोल अगर अंदर लिखा हुआ है किसी क्लोज सरफेस के अंदर तो फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि नेट चार्ज डाइपोल पे जीरो है। तो ये जो सब कुछ दे रखा है ये यूजलेस है, इसे कंफ्यूज करने के लिए है। सारे बच्चे क्यू निकालते हैं, फिर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं और नंबर जीरो मिलता है उनको। तो ध्यान रखना वट एवर इज आस्क्ड, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि डाइपोल इज एनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस, तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल विल बी जीरो एंड हेंस फ्लक्स विल बी जीरो। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू शीट, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। तो अच्छे से इसको दो तीन बार देखो वीडियोस, कोई डाउट है तो मैं बार बार बोलता हूँ तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हो मुझे। घर में रहो, अच्छे से पढ़ो, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।